नमस्कार दोस्तों, मनोज सिंह न्यूडियो साथ के सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो सर्वप्रथम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रिजम्पशन क्या होता है, अवधारणा क्या होती है। तो रसेल ने इसको परिभाषित किया है, और रसेल के अनुसार जब हम एक तथ्य के अस्तित्व को देख कर दूसरे तथ्य के अस्तित्व का अनुमान लगा लेते हैं तो इसी को प्रिजम्पशन करना बोलते हैं। यानी एक तथ्य के अस्तित्व को हमने देखा और दूसरे का अनुमान लगा लिया तो इसी को प्रिजम्पशन करना बोलते हैं। तो देखिए, एक बात और हम आपको बता दें कि प्रिजम्पशन दो तरीके का होता है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और दूसरा होता है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तो चलिए अब दोनों के बीच डिफरेंसेस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, पहला अंतर यह कि तथ्य की उपधारणा मनुष्य के तर्क पर आधारित होती है, जबकि विधि की उपधारणा विधि के नियमों पर आधारित होती है। दूसरा अंतर यह है कि तथ्य की उपधारणा अनिश्चित होती है, परिवर्तनशील होती है, वहीं विधि की उपधारणा निश्चित होती है, यूनिफॉर्म होती है, यानी समरूप होती है। तीसरा अंतर यह है कि तथ्य की उपधारणा हमेशा विखंडन योग्य होती है, रिवर्टेबल होती है, जबकि विधि की उपधारणा रिवर्टल के अभाव में या खंडित करने के अभाव में कंक्लूसिव होती है, यानी निश्चयात्मक होती है। अगला अंतर यह है कि तथ्य की उपधारणा चाहे वो कितनी भी मजबूत हो, स्ट्रांग हो, न्यायालय चाहे तो उसे इग्नोर कर सकता है, लेकिन विधि की उपधारणा को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि तथ्य की उपधारणा हमेशा आपके मनुष्य के अनुभवों, प्रचलित प्रथाओं के आधार पर किया जाता है, वही विधि की उपधारणा न्यायिक नियमों द्वारा एस्टेब्लिश्ड है और विधि के नियमों का भाग बन गया है। अगला अंतर यह है कि तथ्य की उपधारणा न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है, चाहे वह उपधारणा करे ना करे, ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है, जबकि विधि की उपधारणा मैंडेटरी है और न्यायालय को उपधारणा करना ही होगा। थैंक यू।